हम डेंगू मलेरिया मच्छर प्रदूषण अपराध सड़क बिजली पानी इन सब मुद्दों पर सिस्टम पे उंगली उठा सकते हैं लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए इस उंगली पर स्याही नहीं लगवा सकते हैं। वैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सिस्टम क्या है, सिस्टम बनाया किसने, हम इस सिस्टम के झमेले में फंसे कैसे। अरे भैया ये सब किसी और का किया धरा नहीं है, ये हम आप सबका है। सिस्टम हम ही के लिए बना है, हम आप सब ने मिल के बनाया है और इसी सिस्टम को हम लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर सिस्टम में कोई दोष है, कोई खराबी है, उसके कसूरवार हम हैं, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और हम इस सिस्टम पे उंगली उठा के सारा दोष मढ़कर अपने कर्तव्य से हट जाते हैं। लेकिन इसी उंगली के इशारे पर ये सिस्टम बनता और बिगड़ता है, इसलिए जब भी सिस्टम पे उंगली उठाएं तो पहले अपनी जवाबदेही तय करें। हमें अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जब भी ये उंगली उठाएं पूरी जिम्मेदारी के साथ सूझबूझ कर समझ कर जो इस देश के लोकतंत्र को अच्छा कर सके, बेटर कर सके, उसी के लिए बटन दबाएं। राजनीति को समझें, राजनीतिक दलों को उनकी नीयत पर मंथन करें, तभी चुने, सही चुने। अपने वोट के महत्व को समझें। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट के अंदर से बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और 18 महीने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। 1975 फ्रांस में एक वोट के अंतर से नेपोलियन राजशाही का अंत हुआ था, वहां लोकतंत्र की बहाली हुई थी। 1923 जर्मनी जिस तानाशाही से होकर गुजरा ये आप सब जानते ही होंगे। नाजी दल वहां मुख्य तौर पर माना जाता था। एक वोट के अंतर से अडॉल्फ हिटलर नाजी दल का अध्यक्ष बना और इस एक वोट के महत्व को जर्मनी से ज्यादा और कौन जान सकता है। 1776 अमेरिका में पहले जर्मन राष्ट्रभाषा मानी जाती थी लेकिन एक वोट के अंतर से वहां पे अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। 1917 सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वोट के अंतर से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हार गए। 2008 सीपी जोशी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, उनकी किस्मत एक वोट ने बदल दी। जब वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे कल्याण सिंह चौहान जी को 62,216 आउट मिले थे जबकि सीपी जोशी को 62,215 आउट मिले थे। एक वोट के अंदर से चुनाव हार गए थे और माना जाता है कि सीपी जोशी की माँ, पत्नी और चालक ड्राइवर मतदान देने नहीं गए थे, वोट देने नहीं गए थे, इसलिए सीपी जोशी अपने घर में ही एक वोट से चुनाव हार गए थे। इसलिए अपने एक वोट के महत्व को समझें। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 2014 में एक वोट के पीछे 43 रुपये खर्चा हुआ था सिस्टम का। इसलिए अपने वोट के महत्व को समझें। हो सकता है कि आपके एक वोट से एक अच्छे व्यक्तित्व को मौका मिले सिस्टम को ठीक करने का, आपके समाज को आगे ले जाने का। इसलिए वोट देने जरूर जाएं और जो ना जाए उसे भी जाने के लिए जागरूक करें, तभी चुने, सही चुने। रिक्वेस्ट हमारी है, फैसला आपका है। जय हिंद।